विधानसभा सेक्रेट में वेरियस पोस्टें एडवर्टाइज की गई है, जिसको लेकर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कब से कब तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कौन कौन सी पोस्टें एडवर्टाइजमेंट की गई है, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, ये सब के बारे में हम बात करेंगे। और रिटन एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट, किस तरह का पूरा प्रोसेस होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस फॉर्म को, ये जितने भी पोस्टें हैं इनकी लास्ट डेट फिलअप करने की है 26 फरवरी 2024, यानी कि 26 फरवरी तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्लास 3 की जितनी भी पोस्टें हैं इस पीडीएफ में, उसमें आप तभी एलिजिबल होंगे अगर आपने 10+2 जो है वो हिमाचल प्रदेश से की हुई है। अगर आपने 10+2 हिमाचल प्रदेश में नहीं की है तो आप इन सभी पोस्टों को फिलअप नहीं कर पाएंगे। और इसी तरह से क्लास 4 के लिए आपकी 8 जो है मिडिल या फिर आपकी जो 10th है, जैसे भी वहाँ पर एलिजिबिलिटी होगी, क्लास 4 के लिए बेसिकली 8 और 10 आपकी विद इन हिमाचल प्रदेश होनी चाहिए। तो चलिए आप देखते हैं। सबसे पहले रिपोर्टर की टोटल 5 पोस्टें हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ग्रेजुएट आप होने चाहिए और सॉर्टेड स्पीड इन इंग्लिश और या तो हिंदी 160 वर्ड्स पर मिनट, और साथ ही टाइपिंग इंग्लिश या हिंदी 60 वर्ड पर मिनट, इन इंग्लिश हिंदी 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। रिटन टेस्ट होगा आपका, और रिटन टेस्ट आपका पेपर 1 होगा 100 मार्क्स का, पेपर 2 होगा 100 मार्क्स का। तो यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि पेपर 1 किस तरह का आएगा, पेपर 2 आपका किस तरह से होगा। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, देन आपका पर्सनल इंटरव्यू भी होगा 10 मार्क्स का। नेक्स्ट है जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, इसकी टोटल 2 पोस्टें हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसमें भी रिटन टेस्ट होगा, पेपर 1 और पेपर 2 होंगे। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा और फिर देन आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी, इसमें कोई भी पर्सनल इंटरव्यू नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका जूनियर ट्रांसलेटर, इसकी 1 पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट आप होने चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से विद हिंदी एंड इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएट, जब यानी कि डिग्री में आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों ही सब्जेक्ट होने चाहिए। उसके बाद रिटन टेस्ट की बात की जाए तो पेपर 1 100 मार्क्स का, पेपर 2 भी 100 मार्क्स का। उसके बाद आपकी जो परफॉर्मेंस है पेपर 1 और पेपर 2, जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनको वेरिफिकेशन होगी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की 3 पोस्ट है, इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप प्लस 2 होनी चाहिए। इसमें भी रिटन टेस्ट पेपर 1 पेपर 2 होगा, आफ्टर दैट स्किल टेस्ट होगा, फिर आपकी ओरिजिनल वेरिफिकेशन होगी। यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि आपका पेपर 2 किस तरह का रहेगा, पेपर 1 किस तरह का रहेगा, वीडियो को पोस्ट करें। नेक्स्ट है आपका जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं, क्लरिकल 10 पोस्टें हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए, पेपर 1 पेपर 2 होगा इसमें, और साथ ही स्किल टेस्ट होगा आपका जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और फिर आपका ड्राइवर की 1 पोस्ट है, एससीबी पोस्ट है, रिटन टेस्ट होगा इसमें आपका 100 मार्क्स का। आफ्टर दैट आपकी ड्राइविंग टेस्ट होगा, और ये जो ड्राइविंग टेस्ट है ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, तो रिटन टेस्ट के हिसाब से ये आपकी मेरिट बनेगी। फ्रांस की आपकी 9 पोस्टें हैं, तो फ्रांस की 9 पोस्टें हैं, इसमें आप 8 पास होने चाहिए। रिटन टेस्ट होगा इसमें भी आपका 100 मार्क्स का, ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन रिटन टेस्ट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की वेरिफिकेशन होगी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की। चौकीदार की 3 पोस्ट है, इसमें आप 8 पास होने चाहिए, रिटन टेस्ट 100 मार्क्स का होगा, 2 आर का होगा ये भी, फिर आपका उसके बाद रिटन टेस्ट में जो परफॉर्मेंस रहेगी देन आपका जो शॉर्टलिस्ट होगा उनकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी। माली की 1 पोस्ट है, इसमें भी आप 8 पास होने चाहिए, 100 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट होगा, और रिटन टेस्ट जो है वो आपका पास मार्क्स 50% आपके होने चाहिए इसमें भी।
और इसके बाद जो आपकी रिटन टेस्ट में परफॉर्मेंस है उसी हिसाब से जो लिस्ट होंगे कैंडिडेट, और फिर आफ्टर डैट उनकी वेरिफिकेशन होगी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की। एग्जामिनेशन फीस की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी के लिए बाय पोस्ट वाइज यहाँ लिखी हुई है एग्जामिनेशन फीस। एससी एसटी ओबीसी बीपीएल जो एचपी के कैंडिडेट है उनकी यहाँ फीस लिखी हुई है पोस्ट वाइज। फीमेल कैंडिडेट की कोई भी फीस नहीं होगी, और साथ ही एक्स सर्विस मैन की भी कोई भी फीस नहीं है। मोड ऑफ पेमेंट यहाँ लिखी हुई है कि किस तरह से आप पेमेंट जो है वो फीस को सबमिट करेंगे वो यहाँ लिखी हुई है। आफ्टर डैट कैटेगरी क्लेम यहाँ लिखा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं जिसको भी जो भी जानना होगा उस हिसाब से। जनरल कंडीशन यहाँ लिखी हुई है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं क्योंकि इतना एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है। सो डैट्स व्हाई इसको हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर आपको पढ़ना है तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। अप्लाई कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये जो लिंक है जो कि यहाँ लिखा हुआ है https://evidhan.nic.in, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और साथ ही आप अगर सिंपल क्रोम में भी सर्च करते हैं तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद कैसे आप डॉक्यूमेंट कि जो या फिर फोटोग्राफ हो गया, सिग्नेचर हो गया, डॉक्यूमेंट को कैसे अपलोड करोगे वो यहाँ लिखा हुआ है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद को एडमिशन या रिजेक्शन किस तरह से हो सकती है, यानी कि अगर आपने फोटोग्राफ को अपलोड नहीं किया है, सिग्नेचर को नहीं किया है, या फिर फीस ही सबमिट नहीं की है, इस तरह की यहाँ पर लिखा हुआ है, तब जाकर आपके फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकते हैं। तो सभी आप जो भी यहाँ क्राइटेरिया है उसको आप फुलफिल करें पूरा। तो ये पूरी पीडीएफ जो है थी, इसमें हमने जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उसको डिस्कस किया, यानी कि इन सभी पोस्टों के लिए क्या क्या हमको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, फॉर्म कैसे फिलअप करना है, कब फॉर्म को फिलअप किया जा सकता है, इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया। इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहिए।